नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां हम मंडी के अंदर आज जौ के भाव और आवक के बारे में व्यापारी सूरज कुमार गुप्ता जी की शॉप पर आए हैं। यहां हम उनसे जानेंगे कि किस तरह मंडी के अंदर जौ के भाव हैं और आज मंडी के अंदर कितनी जौ की आवक है। सूरज प्रकाश गुप्ता जी, सबसे पहले आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। सर बताइए, आज मंडी के अंदर कितनी जौ की आवक है और क्या भाव है? मंडी के अंदर 500 से 800 क्विंटल की अराइवल है। जौ के बाजार 1900 से 1950 के बाजार है। तो कुछ भाव में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, क्या कारण है? मार्केट में पहले अराइवल ज्यादा थी, इसलिए बाजार थोड़े कमजोर थे। अब मार्केट में आवक कम होने के कारण भाव भी ठीक हुए हैं और आने वाले समय में जौ में 200-300 रुपए की तेजी आ सकती है। अभी भाव कम होने के क्या कारण मानते हैं आप? अराइवल ज्यादा आना भाव कम होने का कारण है। जमींदारी अराइवल काफी अच्छी आ रही थी, 4-5 हजार क्विंटल माल आ रहा था अनाज मंडी में। क्या कारण रहे कि माल क्यों कम आने लगा? माल आवक किसानी माल तो खेतों खलियानों में से तो अंदर चला गया है। अब स्टॉक काफी सक्रिय हो गए। अब मार्च का महीना भी था, पहले स्लिप डाउन थे, अब अप्रैल आ गया है, इसलिए स्टॉक हावी हो गए। अभी किस तरह स्टॉक किया जा रहा है उसका? जो का स्टॉक कंपनियों के द्वारा स्टॉक किया जा रहा है। कंपनियों की डिमांड होने के कारण, माल्ट वालों की डिमांड होने के कारण थोड़ा अराइवल कम होने के कारण इसलिए 150 रुपये बढ़ गए। आने वाले टाइम में 100-200 रुपये और बढ़ सकते हैं। तो अभी जो की बात करें तो बांगा से जो आ रही है, जो अलवर से आ रहे हैं, अलवर डिस्ट्रिक्ट में चोमू से भी चल रहे हैं, जो अराइवल के लिए आ रहे हैं, श्रीगंगानगर साइड से भी आ रहे हैं, सारे स्टॉक में जा रहे हैं, माल फैक्ट्रियों में जा रहे हैं। तो अभी जैसे अपन भाव की बातें करें तो कल क्या भाव थे और 2 दिन पहले क्या भाव थे और आज भाव क्या है और किस तरह उतार चढ़ाव देखा गया? सर 2-4-5 दिन से तो क्या छुट्टियां चल रही है, इलेक्शन का माहौल है, इसलिए भी थोड़ा माल कम आ रहा है, इसलिए भाव थोड़े इंक्रीज हुए हैं। पहले माल भी ज्यादा आ रहा था, थोड़ा अराइवल ज्यादा आ रहा है। तो आगे क्या बढ़ने के आसार हैं भाव में? मुझे तो 100-200 रुपए बढ़ने के आसार लगते हैं। अच्छा जी, तो ये जो है यहाँ से कहाँ से कौन कौन से मिलों में जा रहा है जो? सर ये MIA माल फैक्ट्री में जाता है, गुड़गांव में जाता है और स्टॉक में जा रहा है। मोस्टली माल जो अब जा रहा है वो स्टॉक में जा रहा है टोटल। तो उस गेहूँ की कोई अपने जो जो है जो को लेकर कोई MSP को लेकर कुछ? जो की MSP तो काफी नीचे 1850 रुपए है, लेकिन माल्ट वालों की और कैटल फीड की डिमांड होने के कारण इसमें थोड़ा तेजी का माहौल लगता है। तो अभी अगर आप बात करें तो टोटल मंडी के अंदर और मतलब ऐसे देश प्रदेश के अंदर कितना उत्पादन सर अपन जो का सर? देखो उत्पादन तो पिछले साल से ज्यादा ही है, लेकिन डिमांड कैटल फीड की भी ज्यादा है। बाजरा इस साल कम होने के कारण कैटल फीड की भी डिमांड रहेगी इसमें। पिछली बार क्या भाव थे और कितना वो था जो का? पिछली बार तो सर 2200 रुपए के बाजार हुए थे ऊपर में, इस बार लगता है कि ये 2400-2500 के आसपास जा सकते हैं। और क्वालिटी के बारे में अगर बात की जाए, जो क्वालिटी तो पिछले साल से सुपीरियर आ रही है। पिछले साल बारिश के भीगे हुए जो आए थे, इस बार बिल्कुल साफ आ रहे हैं। माल वालों की अच्छी डिमांड है, पिछली बार मील क्वालिटी के आ रहे थे, कैटल फीड में जा रहा था माल। अपने यहाँ पर जो मिलर जो आते हैं वो किस बेस पर और किस तरह की क्वालिटी लेते हैं, क्या भाव लेते हैं? सर मोस्टली माल्ट वालों की डिमांड रहती है, अच्छा माल है इस साल तो माल्ट वालों की डिमांड रहेगी। हर साल तो इंपोर्ट करवाते हैं माल क्वालिटी के कारण, इस बार तो क्वालिटी काफी सुपीरियर है, इसलिए माल्ट वालों की डिमांड काफी अच्छी है। तो काफी अच्छा रहने का कारण क्या मानते हैं डिमांड? डिमांड सर देखो माल्ट वालों की डिमांड है, विदेशी भी महंगे हैं, जो विदेश से आते हैं, जो इम्पोर्ट होते हैं काफी कॉस्टली पड़ते हैं, इसलिए इससे नीचे कोई जींस नहीं है मंडी में। किसी भी मंडी में देख लो आप, 2 से नीचे कोई माल ही नहीं है। बाजरा भी इससे ऊपर बिक रहा है, तो पशु आहार की भी डिमांड आएगी इसमें, तो माल्ट वालों की भी डिमांड रहेगी। तो अभी जो जैसे भाई जो है और जो को लेकर क्या बोलते हैं क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, तो किसानों को जो भाव है किस तरह के भाव उनको मिल पा रहे हैं क्या? सर किसानों को तो देखो MSP से ऊपर ही भाव मिल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। MSP से काफी मतलब 150 रुपये ऊपर ही जो बिक रहे हैं, किसानों को तो कोई लॉस है नहीं, लेकिन स्टॉक में मिल माल्ट वालों की डिमांड होने के कारण थोड़ा तेजी लगती है। तो डिमांड का क्या कारण मानते हैं कि डिमांड ज्यादा बढ़ रही है? मतलब डिमांड सर देखो क्वालिटी अच्छी है इस बार, और सालों से क्या
सफेद जो आ रहा है बिल्कुल व्हाइट जो आ रहा है इस बार, इसलिए मोटा जो भी आ रहा है। तो माल्ट वालों को बढ़िया माल चाहिए जिससे माल्ट अच्छी बने, इसलिए थोड़ा डिमांड रह सकती है। ये हमारे साथ में मौजूद थे सूरज प्रकाश गुप्ता जी, जिन्होंने जो के बारे में हमको पूरी विस्तार से जानकारी दी, जो के भाव में बताया, आवक के बारे में बताया, और इन्होंने हमको पिछले साल जो की आवक और भाव के बारे में बताया। इस तरह लगातार जो है मंडी के अंदर जो लगातार आ रही है और आवक भी अच्छी है। नितिन शर्मा, अलवर।